आज का पाउच बनाने के लिए हमने 9x9 का एक क्विल्टेड पीस लिया है, 3x9 का वन पीस फैब्रिक लिया है, 9 इंच की वन जिप वन रनर। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड में जोड़ देंगे, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको पैक करेंगे और इसको इस तरह से जोड़ने के बाद इसमें हम इस तरह से लंबी लंबी सिलाई करेंगे। और यहाँ पर ये हमने एक चाप की दूरी पर पूरी मशीन चला दी है। और अब इसमें हम ये जिप लगाएंगे, इस साइड में इधर हमने पट्टी लगाई थी, इस साइड हम जिप लगाएंगे। इसको तैयार करने के बाद इसमें हम रनर डालेंगे। रनर डालने के लिए इसका यहाँ पर हम एक वायर निकालेंगे, ये देखिए ये वायर निकल गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हल्का सा वायर मैंने इसका निकाल दिया है। और इसमें अब हम रनर को डालेंगे, पहले वायर डालेंगे, दोनों हाथ से इसको पकड़ लेंगे, फिर दूसरा हिस्सा डालेंगे और अंदर की तरफ इसको इस तरह से पुश करते हुए और जिप को खींच लेंगे, तो ये इस तरह से इसमें जिप पड़ जाती है। अब इसको हम पूरा निकाल लेंगे तो ये बराबर से पैक हो जाएगी, फिर थोड़ा सा खोलेंगे और इसमें रनर डाल देंगे। ये एकदम बराबर से रनर आ गया है। अब इस सिरे को पकड़ते हुए खुलने ना पाए और बहुत आराम से हम इसको सीधा करें, उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टा करने के बाद इधर हमने पिंक कलर का जो फैब्रिक जोड़ा था तो इसको इधर अभी छोड़ देंगे और इसको इस तरह से बराबर लेते हुए यहाँ से सीधा पैक करेंगे, यहाँ से सीधा पैक करेंगे। अब इसको यहाँ से लेते हुए जिधर जिप है इधर से यहाँ पर सेंटर लेंगे और कट मार्क कर लेंगे हल्का सा। अब इस कट मार्क पर इस सेंटर को, ये जिप का सेंटर रखते हुए यहाँ पर इसको सिल देंगे, इस तरह से सिलने के बाद अब ये जो कॉर्नर है साइड बाय साइड के, इसको हम यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल राउंड शेप देना है और डबल मशीन चलाते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरा डबल कर देना है। अब इसको हम कट कर देंगे और इसको अब हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, इस पर हम एक मशीन चला देंगे जिससे कि यहाँ पर लॉक हो जाए। और ये पाउच हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। और ये मल्टीपर्पज़ पाउच है, आप चाहें तो पेंसिल पाउच बना लें, चाहे कॉस्मेटिक पाउच बना लें, जैसा भी ठीक लगता है आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा पाउच, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।